सो गाइस, साल का लास्ट इवेंट आ चुका है क्रिसमस, और इंडिया के अंदर तो हर इवेंट को बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है, और क्रिसमस की बात तो अलग ही है। उसी से रिलेटेड एक कमाल की हार्ट टचिंग स्टोरी लेकर आ चुका हूँ, गरीब की क्रिसमस। और ये स्टोरी वाकई में बहुत कमाल की है, तो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में गिव अवे है, एक प्यारा सेगमेंट करके अपना ईवाईडी अटैच कर दीजिएगा। अब बस इसको इसमें डाल दो और फिर, अरे बाप रे, इतना खतरनाक। चलेगा, वैसे ही काम के लिए पहले ही बहुत देर हो चुका हूँ, और अभी तक मैक्स भी सो करने उठा है। मैक्स बेटा, मैक्स उठो। मैं तो उठ ही गया था पापा, वो बस मेरी नींद नहीं खुली थी। अच्छा, ऐसी बात है, तब तो ठीक है। अब चलो चल के तुम्हें नाश्ता करवा देता हूँ, फ्रेश करवा देता हूँ, मुझे काम के लिए देरी हो रही है बेटा। ठीक है, तो टॉयलेट ही ना जाना पापा। इधर इधर पहुँच गया पापा। अब चलो बेसिन पर जाओ और अपनी ब्रश भी निकालो। बेसिन पीछे मिल गया पापा, आप जाइए, अब मैं कर लूंगा। जल्दी करो, तब तक मैं तुम्हारे नाश्ता तैयार कर देता हूँ। पापा को काम पर जाना है ना बेटा। समझ गया पापा। अरे क्या हुआ, फिर टकरा गया ना बेटा? कितनी बार कहा है हाथ आगे रख कर चला कर। अरे कुछ भी नहीं हुआ है पापा, और वैसे भी आपके रहते मुझे कुछ नहीं हो सकता ना पापा। भ्रम नहीं है, सच्ची बात है। पापा जिंदगी में हर किसी के खास है, कद्र करना उनकी, गर्व तुम्हारे साथ है। हाँ, अब चलो फ्रिज ओपन करो और बंद करो, खाना निकालो और खाओ। मैं नहीं रहूँगा तब काम आएगा, बुक अंदर रखना सीखो। हो गया। तो आराम करो, मैं काम से होकर आता हूँ बेटा। बाप रे बाप, समय का तो पता ही नहीं चला, आज बहुत देर हो गई। सर, एक तो हम पहले ही कंपनी मीटिंग के लिए लेट हो चुके हैं, और ऊपर से वो ड्राइवर अभी तक नहीं आया, और कितना देर वेट करें सर? थोड़ा रुक जाओ, एक बार आ जाने दो उस ड्राइवर को, आज उसकी अच्छी क्लास लूंगा, डैडी ने बेवजह ही उसे सर चढ़ा रखा है। जरूर लीजिए सर, मालिक ड्राइवर को कितना भी वेट कराए फर्क नहीं पड़ता, पर अगर ड्राइवर मालिक को वेट कराने लगे तो ये अच्छी बात नहीं है। और लीजिए सर, आ गया साला कामचोर। आन दो इस साले को, आज मैं पाठ पढ़ाता हूँ, बहुत हीरो बनता है, साले को सबक सिखाता हूँ। बापरे, बहुत देर हो गई लगता है। मालिक कहीं जा रहे हैं क्या, छोड़ दूँ? अच्छा, तो अब तेरे टाइमिंग से हम लोग निकलेंगे, 9 बजे टाइम है काम पर आने का, और अभी 10 बज रहे हैं, कहाँ था इतना देर? वो मालिक, हमारे बेटे का पूरा काम हम ही को करना होता है, इसलिए आने में थोड़ी देरी हो गई मालिक। तो आया ही क्यों है, चले जा, वैसे भी तेरी कोई जरूरत नहीं है मुझे। संजय, ये क्या तरीका है बात करने का? उसके घर पे बहुत काम रहते हैं, और मैंने ही उससे कहा है पहले घर का काम करे उसके बाद काम पर आए। पर ये क्या बात हुई पापा, 9 बजे की टाइमिंग है, टाइम पर नहीं आएगा तो काहे की नौकरी, निकाल देते हैं नौकरी से इसे। चुप करो तुम, कुछ नहीं समझते हो, तुम्हें काम के लिए देरी हो रही है ना। जाओ माइकल, इसे ऑफिस छोड़ दो, पर ध्यान रहे संजय, माइकल को कोई काम से नहीं निकालेगा, जाओ। ठीक है मालिक, और हम भी माफी चाहेंगे, हमारी भी गलती है। नहीं माइकल, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी मजबूरियां जानते हैं हम, जाओ छोड़ दो उन्हें। धन्यवाद मालिक, सच कह रहे हैं, आपका बहुत एहसान है हमारे ऊपर, हम आते हैं उन्हें छोड़कर। हाँ जाओ, और किसी बात को जाओ सोचने की जरूरत नहीं है। जी। चल चल जल्दी कर, हमें मीटिंग के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जी ठीक है मालिक, हम आपको जल्दी ले चलते हैं। समझना चाहिए उनकी मजबूरी, क्योंकि परिवार उनके लिए भी है जरूरी, वो करते नहीं है सब काम, पर क्या करें, पैसे भी है जरूरी। तो अब मैं आपको एक कमाल के वेबसाइट www.lotus365.com के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर आप अपना क्रिकेट नॉलेज यूज करके अच्छे इनाम जीत सकते हो। आपको बस सिंपली प्रेडिक्शन करना होता है कि क्रिकेट में कौन सी टीम जीतेगी, साथ ही आपको यहाँ पर 200 से भी ज्यादा गेम देखने को मिल जाते हैं, मतलब जो गोवा वाला मजा है ना वो आपको इनके साइट पे देखने को मिल जाएगा। लोटस 365 एक ट्रस्टेड और सेफ वेबसाइट है, इनके ब्रांड एंबेसडर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउतेला, कीर्ति और काजल अग्रवाल। और अगर आप इनके इंस्टाग्राम पेज @lotus365world पे फॉलो करोगे तो देखोगे कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनका प्रमोशन करते हैं। और जो सबसे अच्छी बात है, आपके यहाँ पे जो विड्रॉल है वो 20 मिनट्स के अंदर होता है, चाहे दिन हो या फिर रात। और अगर आप अभी अकाउंट ओपन करते हो तो आपको मिलेगा 365 का बोनस, और पहले डिपॉजिट है 5,000 का बोनस। अभी रजिस्टर करो www.lotus365.com, लिंक कमेंट पिन में। बेटा देखो, कंपनी के प्रचार और कुछ जरूरी काम के लिए मुझे पोर्गेटरी जाना होगा, कुछ महीनों का समय लगेगा, तब तक बरमूडा में काम तुम देखोगे। आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है पापा, आप बस पोर्गेटरी में हमारा धंधा जमाइए, बरमूडा में काम मैं देख लूंगा। बहुत बढ़िया, यही उम्मीद थी तुमसे, अब मुझे चलना होगा, मेरे प्लेन का टाइम हो गया है, काम संभाल लेना बेटा। काम तो मैं संभाल ही लूंगा पापा, और आपके उस नौकर को भी सबक सिखा दूंगा, क्योंकि उसके लिए भी जरूरी है कि उसे उसकी औकात पता चल जाए। आओ बरखुदा आओ, आज फिर लेट आए हो, साला मानोगे नहीं ना तुम। बस 5 मिनट लेट हुए हैं मालिक, हम पूरी कोशिश किए जल्दी आने का। अबे कोशिश करने के लिए नहीं, काम करने के लिए रखे हैं हम तुम्हें यहाँ, और साला तुमसे टाइम पे आना नहीं होता।
ऐसी बात नहीं है मालिक, हमसे जितना जल्दी हो सकता था हमने किया। घर का सारा काम हमें ही करना पड़ता है। तो अब बैठ के घर का काम ही कर, नौकरी पाने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ अभी। नहीं मालिक, मुझसे गलती हुई है मैं मानता हूँ, पर नौकरी से मत निकालिए। कल मैं समय से पहले आ जाऊंगा मालिक, मुझे नौकरी से मत निकालिए, नौकरी की बहुत जरूरत है मुझे। बोला ना, चले जाए यहाँ से, तेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ। ठीक है मालिक, गुस्सा मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ। हाँ जा बे, अब मालूम पड़ेगा साले को। मर मर्जी का कर रहा था तो बहुत उछल रहा था, साले नौकरी के लिए ठोकर खाएगा तब समझ आएगा। लाचार है इंसान क्योंकि मुसीबत में है जान, अब किसी को कैसे दिखाएगा अपना मजबूरी वाला चेहरा जब खुद फंसी हुई है पहचान। पापा, आप है ना पापा, कब आए आप, मेरे को पता ही नहीं चला। बस अभी आया हूँ बेटा, तूने खाना खाया? खाना तो मैं खा लिया हूँ पापा, पर आप इतने जल्दी कैसे आ गए, सब ठीक तो है ना? ठीक, बुराई तो दुनिया की रीत है बेटा, किसी के लिए अच्छा हो ऐसा बात उसके लिए कोई नहीं कहता। नींद लग रही है, पर इस क्रिसमस में एक स्वेटर दिला दो ना पापा। स्वेटर? हाँ तेरे लिए जरूरी भी है, पर मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिर करूँ क्या अब मैं। आखिर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, उतार चढ़ाव तो जिंदगी के दो पहलू हैं, पूरा वक्त है टल जाएगा। मार्था? हाँ जी, पर आप ना इतना परेशान मत होइए, वरना मैं इसका ध्यान कौन रखेगा, उसकी जरूरत है ना आपकी। हाँ मार्था, मैं रखूंगा मैक्स का ध्यान। बेटा? हाँ पापा। क्रिसमस आ रही है ना, और तूने मुझे पिछले क्रिसमस से स्वेटर मांगा है, इस क्रिसमस में तुझे वो स्वेटर जरूर ला कर दूंगा बेटा। तेरी खुशी से बढ़ के और कुछ नहीं है मेरे लिए, इस क्रिसमस में तुझे वो स्वेटर जरूर दिलाऊंगा। और जहाँ तक बात रही नौकरी की, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लूंगा। मैक्स को स्वेटर चाहिए ना, तो मैं उसे स्वेटर दिलवा देता हूँ और उसके बाद नौकरी खोजने चले जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ये रही दुकान, लास्ट टाइम मैक्स ने इसी दुकान का स्वेटर पसंद किया था, मैं उसे वही स्वेटर लेके दूंगा जो उसे पसंद आया था। कपड़े ले लो कपड़े। भैया? हाँ भैया आइए। वो जो पिछले साल मैं आया था ना अपने बेटे को लेकर, उसे एक स्वेटर पसंद आया था ना? हाँ भैया याद है ना, वो स्वेटर दे दीजिए। अरे भैया याद तो है, पर वो कहा है ना हर महीना नया कपड़ा आता है, इसलिए वो कपड़ा मिलना भी मुश्किल है। देख रहे बे, क्रिसमस की शॉपिंग चल रही है, लगता है मालदार पार्टी है, क्रिसमस हम भी बनाएंगे, जा पकड़ कर ला साले को। ठीक है भाई। पर अगर उसको पसंद नहीं आएगा तो? अरे ऐसे कैसे पसंद नहीं आएगा, आप निसंदेह होकर ले जाइए सर, बहुत अच्छा माल दे रहे हैं हम आपको। अच्छा ठीक है भैया, फिर आप पैक कर दीजिए उसे। पैकिंग सैकिंग तो होती रहेगी, पर पहले चल के थोड़ा बिल्ला भाई से तो मिल लो। कौन हो भाई आप, मैं नहीं जानता आपको। अबे स्याणे, तू मेरे को जान भी जाएगा और मेरी बात मान भी जाएगा जब तेरा ध्यान मेरे बंदूक पे जाएगा, चुपचाप चल मेरे साथ। तो पर भाई बता तो दो, आखिर मेरे से काम क्या है आप लोग को? चुप कर बे। लो भाई आ गया बकरा, बहुत पचपच करता है साला। कौन है आप लोग और मुझसे क्या चाहते हैं? देखिए मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। चुप कर बे, हम लोग को एड़ा समझा है क्या? साले दिवाली की शॉपिंग कर रहा है और हमारे पास खुद को गरीब बता रहा है। महंगा स्वेटर पैक करवा रहा था भाई, अच्छा माल होगा साले के पास। कि क्या? देखिए मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, बस थोड़े से पैसे हैं, मेरे बेटे को स्वेटर लेके देना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। चुप कर बे, अब तेरा बच के जाना संभव नहीं है, चुपचाप सारा पैसा दे दे वरना आज तू जिंदा घर नहीं जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, सिर्फ 1500 रुपए है मेरे पास और 1 रुपया भी नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। तब तो तू खुद सोच ले बे, तुझे पैसे चाहिए या जिंदगी, क्योंकि पैसा नहीं देगा तो तुझे तो मारेंगे ही, पर तेरे बेटे को भी खोज के मार देंगे। नहीं नहीं ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको पैसे चाहिए ना, मैं दे रहा हूँ आपको पैसे, ये लीजिए, बस इतने ही पैसे है मेरे पास। सच बोल रहे है ना बे? एकदम सच, चाहे तो मेरी तलाशी ले लीजिए। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, चलो बे आज का बंदोबस्त तो हो गया अपन लोग के लिए। हाँ भाई, पर साला फटीचर था, थोड़े ज्यादा पैसे मिलते तो मजा आता। चुप कर बे, आज का बंदोबस्त हो गया, इतना ही काफी है, चल। करता भी तो क्या करता, जो वो कुछ करता सो मरता, बात बेटे की थी तो बाप भला क्यों लड़ता। पापा भूख लग रही है, खाना दीजिए ना जल्दी। हाँ बेटा बस हो गया, एक ही है, अब क्या करूँ, उसे दे देता हूँ। आपने कुछ कहा क्या पापा? कुछ नहीं बेटा, तुम खाना शुरू करो। आपके लिए खाना बाकी है ना पापा? हाँ बेटा बहुत सारा है, तुम खा लो फिर मैं खा लूंगा। ठीक है।
मजा आ गया पापा। हाँ बेटा। वैसे पापा कल क्रिसमस है ना, और आपने कहा था कि मेरे को स्वेटर दिलवाओगे, दिलाओगे ना? हाँ हाँ बेटा, मैं ले आऊंगा स्वेटर। अब तू जाके दवाई खा और आराम कर। ठीक है पापा। ये पापा स्वेटर लेकर आएंगे, उसके बाद मैं न्यू स्वेटर पहनूंगा, फिर तो बहुत मजा आएगा। कैसे टूटने देगा वो अपने बेटे का सपना? भले टूट रही है भूख से जान, घर में खत्म हो गया राशन, लेकिन अब भी खुशियां हैं उससे अनजान। घर में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, और सामान लेने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। नौकरी का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। मजबूरियां इंसान को वो वक्त भी दिखाती है जो किसी लफ्जों में नहीं कही जाती है। अरे क्या हो गया भाई, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? वो भाई, हमको नौकरी की बहुत जरूरत है, नौकरी के लिए आए हैं, हमें अंदर जाने दो। अच्छा ठीक है, चले जाओ, मालिक अंदर ही है। ठीक है भाई, धन्यवाद। हाँ हाँ, कल क्रिसमस है ना, तो ऑफिस में सबको छुट्टी दे देना। अरे कौन हो भाई तुम, और अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? वो अपने अखबार में इश्तिहार दिया था ना कि आपके ऑफिस में एक नौकर की जरूरत है, वो नौकरी मुझे दे दीजिए, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। अरे तुम तो डिग्री वगैरह लेकर आए हो। देखो भाई, हमारे यहाँ जो नौकर के लिए जरूरत है वो बहुत छोटी सी नौकरी है, उसके लिए इतनी पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, हमें वो नौकर मिल चुका है, तो अब हमारे पास नौकरी नहीं है भाई। मैं बहुत जरूरतमंद हूँ सर, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है, कोई छोटा मोटा काम है तो भी दे दीजिए सर, बस कुछ दाम दे दीजिए। अरे बोला ना भाई, नहीं है हमारे पास कोई नौकरी, तुम जाओ यहाँ से, अगर नौकरी होगी तो बता देंगे, अभी जाओ। ठीक है साहब। बाप रे बाप, एक तो ऑफिस में इतना सारा काम, ऊपर से कल छुट्टी भी है, अगर आज खत्म नहीं हुआ तो किसी भी वर्कर को छुट्टी नहीं दे पाएंगे कल हम। आज किसी भी हाल में काम पूरा करना होगा, ये प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाए एक बार बस। और इन सब काम के अलावा लॉकर में बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, उसे भी जल्द से जल्द बैंक शिफ्ट करना होगा, वरना और दिक्कत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ऑफिस का काम पूरा करना होगा। अरे ये क्या, कौन था? अरे साहू जी क्या कर रहे हो, कोई चोर था क्या? हमको पक्का तो नहीं पता, पर हमको भी कुछ वैसे ही लग रहा है साहब, पुलिस को फोन करते हैं। हाँ हाँ जल्दी कीजिए। गलती किया कोई और, भरने कोई और वाला था, चोरी किया किसी और ने, और जेल में सड़ने कोई और वाला था। अबे ओए रुक रुक, भाग कहाँ रहे साले? कि क्या हो गया साहब, मैंने क्या किया? अबे जब कुछ किया नहीं तो भाग कहाँ रहा था, सच बता, तूने चोरी की है ना? चोरी नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा अभी कहाँ से आ रहा है तू? अरोरा साहब के ऑफिस गया था काम मांगने के लिए। गजब, और चोरी भी वही हुई है, और क्यों ना क्यों मुझे लग रहा है कि चोरी भी तूने की है। देखो अरोरा साहब, कहीं यही तो नहीं? मुझे भी यही लग रहा है इंस्पेक्टर साहब, ये अभी मेरा ऑफिस आया था काम मांगने के लिए, पैसों की बहुत जरूरत है इसे। हाँ पैसों की जरूरत है साहब, पर मैंने कोई चोरी नहीं की है, कल क्रिसमस है और मेरे पास थोड़े से भी पैसे नहीं है, इसलिए काम मांगने आया था साहब। मुझे इसके बातों पे कोई भरोसा नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है पक्का इसने चोरी की है, आप इसे थाने लेकर जाइए, इसने पक्का पैसा कहीं छुपा के रखा होगा। उसकी फिक्र आप मत कीजिए अरोरा साहब, कानून के हत्थे चढ़ के बड़े बड़े मुजरिम मुंह खोल देते हैं, और ये तो फिर भी कोई नाजुक कली मालूम पड़ता है। चल बे थाने चल। सीधे सीधे मुंह खोल दे साले, वरना तुझे वो मार मारूंगा कि जिंदगी भर अपने पैरों में खड़ा नहीं हो पाएगा। सच सच बता, तूने ही चोरी की है ना अरोरा साहब के यहाँ? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे घर चले दीजिए, घर में मेरा एक बेटा है, उसे दिखाई नहीं देता, मेरे सिवा उसे कोई नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मुझे घर जाने दीजिए। सर ये तो बड़ा अजीब सा मामला है, बड़े बड़े चोर देखे सर, पर ऐसा झूठ तो कोई नहीं बोलता, साला बच्चे का बहाना बना रहा है। वही मैं भी सोच रहा हूँ, इसकी बातें सुन के मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही है, अगर ये सच बोल रहा होगा तो दिक्कत हो जाएगी, पर पुलिस सर ने पकड़ के लाया है, छोड़ भी नहीं सकते। सर तो शाम तक अंदर रखते हैं साले को। लगता है शाम हो गई, पर आज पापा ने तो उठाया ही नहीं मुझे। पापा पापा कहाँ हो आप? लगता है पापा अभी तक घर नहीं है, बाहर चल के इंतजार करता हूँ उनका। इधर से घंटों बीत गए इंतजार में उसके, पर आया ना माइकल, तब एक अंधे बच्चे की भी दिल में आया कि अपने बाप को खोजे चल। न जाने पापा कहाँ रह गए, इतना देर तो उन्होंने कभी नहीं किया, मुझे खुद जाना चाहिए उन्हें खोजने के लिए, पर जाओ किधर? इधर इधर नहीं सर, इधर हाँ इधर रास्ता है, इधर जाता हूँ। यूँ तो बिन नजरों के भी चल पड़े थे कदम, पर ठोकर खाती कदमे कब तक रखती दम। पापा पापा कहाँ हो पापा? पापा ये कौन सी जगह है, मैं जाने कहाँ आ गया मैं,
आखिर पापा कहाँ चले गए? पापा आ जाइए ना पापा। अरे ये क्या, वो बच्चा क्यों रो रहा है? एक काम करो, गाड़ी वहाँ पर रोको जरा, रोको रोको। कौन है, कौन है, मेरी मदद कीजिए। अरे सर, बच्चा तो अंधा मालूम पड़ता है, पर ये यहाँ कर क्या रहा है? अरे बेटा, कौन हो आप और यहाँ क्यों खड़े हो? क्या मदद चाहिए आपको? और जब आपको दिखाई नहीं देता तो रोड पे क्यों खड़े हो? अंकल, मेरे पापा शाम होने से पहले घर लौट आते हैं अंकल, पर आज वो लौट के नहीं आए, बहुत टाइम हो गया, मेरे पापा को खोज दीजिए अंकल। अरे साहब, ये तो गड़बड़ हो गया, आज वो कमिश्नर साहब जो आदमी पकड़ के लाए हैं वो भी यही बोल रहा था साहब। क्या बात कर रहे हो, इसका मतलब वो आदमी सच कह रहा था? बेटा तुम चलो हमारे साथ, तुम्हारे पापा के पास बेटा, क्योंकि हमें पता है वो कहाँ है, चलो। पर कहाँ? बेटा सीधे आगे बढ़ो, आगे गाड़ी है। बुरा कितना भी हो, लास्ट में अच्छा हो ही जाता है, रात का अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, सूरज निकल ही आता है। अरे भाई, हमसे गलती हो गई, हम लोग को माफ कर दो यार, और देखो हम किसको लेकर आए हैं। किसे साहब? मैक्स, बेटा तू यहाँ? पापा, ये अंकल लोग लेकर आए। पापा घर चलिए ना, पापा मैं आपको बहुत देर से इंतजार कर रहा था। माफ कर दे बेटा, मैं काम की वजह से थोड़ा फंस गया था। काम? कौन सा काम पापा? अरे बेटा, तुम्हारे पापा यहाँ ड्राइविंग के लिए आए थे, हमने तुम्हारे पापा को पुलिस स्टेशन में एक ड्राइविंग की नौकरी दी है। चलो आओ, मैं तुम लोग को गाड़ी दिखाता हूँ। माइकल, अब से तुम पुलिस वालों के लिए ये गाड़ी चलाओगे, और ये लो एडवांस, नौकरी पे आ जाना परसों से। अरे वाह, थैंक यू अंकल। और क्या बेटा? मैरी क्रिसमस अंकल। मैरी क्रिसमस बेटा। अगर कोई साथ ना हो तो सोचे ना, वक्त खास नहीं है, पर ये मत कहना कि कोई तुम्हारे पास नहीं है।